अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आपका भाई वापस आ चुका है और आज बहुत ही मज़े का एक वीडियो पर मैं रिएक्शन करूंगा और आप सब ने मुझे बताना है आप सब लोगों को कैसी लगी वीडियो। और इस वीडियो का टाइटल पता क्या है? इस वीडियो का टाइटल है इंडिया मिलिट्री वीएस पाकिस्तान मिलिट्री 2021। तो इसका कंपैरिजन हम देखते हैं कि इंडिया के पास चीज़ें ज़्यादा हैं या पाकिस्तान के पास। और आप सब ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लैंड मिलिट्री पावर के बारे में, यानी थल सेना के बारे में, कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे को कहाँ टक्कर देते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मिलिट्री पर्सनल्स के बारे में कि कितने जवान पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 6,54,000 एक्टिव जवान हैं और रिजर्व में पाकिस्तान के पास 5,50,000 जवान हैं और इंडिया के पास मौजूदा समय में 14,44,000 एक्टिव जवान हैं और रिजर्व में 21,00,000 जवान हैं। यानी पाकिस्तान पे जितने टोटल जवान हैं उससे ज़्यादा इंडिया के सिर्फ एक्टिव जवान हैं। वहीं अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान का मौजूदा समय में डिफेंस बजट 11 बिलियन यूएस डॉलर है और इंडिया का मौजूदा समय में डिफेंस बजट 65.86 बिलियन डॉलर है। यानी इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैन बैटल टैंक्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 2700 से ज़्यादा टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें VT-4 टैंक, अल खालिद, अल जर्रार, टाइप 69, टाइप 59 जैसे कई टैंक शामिल हैं। वहीं इंडिया के पास मौजूदा समय में टोटल 4958 टैंक मौजूद हैं, जिसमें अर्जुन MBT, दोस्तों MBT का मतलब होता है मैन बैटल टैंक, T-90S, भीष्म, T-72 अजय जैसे कई टैंक इंडियन आर्मी में शामिल हैं। दोस्तों पाकिस्तान के पास इंडिया से कम टैंक हैं, साथ ही पाकिस्तान के पास जो टैंक मौजूद हैं उसमें से कई टैंक काफ़ी पुराने हो चुके हैं और ज़्यादातर टैंक चाइनीज टैंक हैं। तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि इन पे कितना भरोसा किया जा सकता है। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान के आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 7,500 से भी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं, जिसमें अल्फेद, APC-7, ड्रैगून 2, M-901 ITV जैसे आर्मर्ड व्हीकल इसमें शामिल हैं। वहीं इंडिया के पास मौजूदा समय में 9,000 से भी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं, जिसमें T-55 टर्मोर, BTR-50, महिंद्रा सैटर्न प्लस, नैमिका, CMT जैसे आर्मर्ड व्हीकल इंडियन आर्मी में शामिल हैं। वहीं अगर इंडिया और पाकिस्तान की आर्टिलरी की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 2300 से भी ज़्यादा आर्टिलरी मौजूद है, जिसमें मोड 56, M101, M198, KRL-122 जैसे कई आर्टिलरी पाकिस्तान पे मौजूद हैं और इंडिया के पास मौजूदा समय में 4600 से भी ज़्यादा आर्टिलरी मौजूद है, जिसमें DRDO एडवांस टोवेड आर्टिलरी गन सिस्टम, OFB लाइट फील्ड गन, D-13 धनुष, M777 K9 वजती पिनाका, MBRL, BM21 जैसे कई आर्टिलरी इंडिया के पास मौजूद है। दोस्तों आर्टिलरी के बारे में बात करें तो इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा आर्टिलरी मौजूद है, साथ ही कारगिल वॉर में इंडियन आर्टिलरी अपनी ताकत भी दिखा चुकी है। वहीं रॉकेट प्रोजेक्टर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास 100 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं और इंडिया के पास 266 की संख्या में रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। वहीं आइए बात करते हैं मिसाइल की, क्योंकि मिसाइल डिफेंस और अटैक में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो भारत के पास कई प्रकार की ऑपरेशनल मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि 5 भी शामिल है। अग्नि 5 मिसाइलों की रेंज 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा कम दूरी की मिसाइलों में पृथ्वी SS मिसाइल भारतीय सेना में शामिल है, जिसके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वर्जन हैं। 90 से 215 मील तक की रेंज वाली ये मिसाइल 1 टन से ज़्यादा वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। वहीं इंडिया के पास आकाश और त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली बेस्ट मिसाइलें हैं, जबकि नाग मेन एंटी टैंक और ब्रह्मोस सीरीज की क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा भारतीय मिसाइल बेड़े में अमोघ, शौर्य, निर्भय, प्रहार, पिनाका,
आदि कई प्रकार व रेंज की मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी अपनी अलग अलग खासियतें हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी सेना के युद्ध बेड़े में सबसे ताकतवर मिसाइलों के नाम पर गोरी और साहिन मिसाइल शामिल हैं। साहिन 3 की रेंज 2800 किलोमीटर तक है, जो पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है। वहीं गजनवी मध्यम रेंज वाली मिसाइल है, जो 290 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यानी 290 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ये मिसाइल आसानी से खत्म कर सकती है। इसके अलावा M11 या तरमुक के नाम की मिसाइल की रेंज 190 मील तक की है। वहीं पाकिस्तान के पास बख्तर सिकन एंटी टैंक मिसाइल है और हब सीरीज की क्रूज मिसाइलें हैं। इसके अलावा बर्क और अबाबील मिसाइलें पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है, लेकिन इंडिया के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। साथ ही इंडिया को जल्द ही S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है और काफ़ी खतरनाक भी है, और साथ ही Agni-6 पे भी काम चल रहा है। तो दोस्तों आपको यह जरूर क्लियर हो गया होगा कि कौन किसको कहां पर टक्कर देता है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी लैंड फोर्स यानी थल सेना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो तो अब आप जान ही चुके होंगे। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन नेवी और पाकिस्तान की नेवी एक दूसरे को कहां टक्कर देते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो तो बहुत ज्यादा मजे की थी, मुझे तो काफी अच्छी लगी। मैंने जो हिसाब लगाया कि पाकिस्तान बहुत पीछे है अभी इंडिया से, इंडिया के पास इतनी न्यू चीज़ें हैं, इतनी अपग्रेड्स, गन्स हैं, मिसाइल्स, टैंक, हर चीज़ इंडिया में ना, हर चीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा, और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अगर आप सबको जो जो चीज़ें अच्छी लगी हो मुझे कमेंट करके आप सबने लाजमी बताना है। और मैं एक लास्ट पे बात करना चाहूँगा, वैसे पाकिस्तान भी कम नहीं है, हूँ तो मैं पाकिस्तानी, हमारे दिल पाकिस्तानी है, लेकिन हम हर किसी कंट्री से, हम सारे कंट्री से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो इंडिया ना, इंडिया के पास बहुत अपग्रेड चीज़ें हैं, मैं कहूँ कमाल है। मैंने अभी इनका कंपैरिजन देखा तो मुझे यकीन हुआ कि इंडिया को, जैसे लोग सारे समझते हैं ना कि इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया बहुत आगे है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।